Modern School Online Classes. Today we will do exercise A of your chapter 6 pronoun. आज हम आपके chapter 6 जो है pronoun उसका exercise A करेंगे. इससे पहले हमने pronouns के बारे में पढ़ा था. Pronouns क्या होते हैं? Pronouns को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम. सर्वनाम, ठीक है. सर्वनाम के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं. तो हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. और इंग्लिश में हमने पढ़ा था प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो नाउन के प्लेस पर, नाउन के संज्ञा के प्लेस पर, जगह पर यूज में लिए जा सकते हैं, ठीक है. इसी के बेसिस पर आज हम आपका एक्सरसाइज ए करेंगे. तो पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं, रीराइट थ्री सेंटेंसेस यूजिंग सिंगुलर प्रोनाउंस आई, ही, शी एंड इट फॉर हाइलाइटेड वर्ड्स वन हैज बीन डन फॉर यू. फिर से देखिए हेडिंग को, रीराइट थ्री सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को फिर से लिखिए यूजिंग सिंगुलर प्रोनाउंस. सिंगुलर प्रोनाउंस का एक वचन सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए आई, ही, शी, इट, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको इसका यूज करके सेंटेंस को फिर से लिखना है. फॉर द हाइलाइटेड वर्ड्स, जो वर्ड्स हाईलाइट करे गए, जो वर्ड्स कलर में करे गए हैं, जिनको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करा है, ठीक है. वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिया गया. जो फर्स्ट है आपको हिप्पो वाला, वो आपको करके दिया गया है. तो पहले तो हम देखते हैं आई, ही, शी और इट का यूज किस में आता है. आई मतलब मैं, मीन्स जब मैं कहेंगे तो हम इंग्लिश में आई लगाएंगे. ही मतलब वह, वह में कौन होना चाहिए? बॉय. शी मतलब, शी मतलब भी वह, लेकिन उसमें क्या कौन होना चाहिए? गर्ल. और लास्ट है एक मतलब कि सेम वह, लेकिन ये किस लिए होना चाहिए? इसमें कोई थिंग होना चाहिए या इसमें कोई एनिमल होना चाहिए, यानी जानवर या वस्तु के लिए हम क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं, ठीक है. जब मैं कहेंगे तब तो हम लगाएंगे आई, लड़का आएगा तो ही, लड़की आएगी तो शी, और कोई थिंग या एनिमल, कोई वस्तु, वस्तु या जानवर. जब कोई वस्तु या जानवर आएगा तो हम क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे. तो फर्स्ट लिखते हैं कि सुनील, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड. फर्स्ट आपको आपके बुक में करके दिया गया है. सेकंड लिखते हैं सुनील इज अ टॉल मैन. सुनील एक लंबा आदमी है. सुनील इज माय ब्रदर्स फ्रेंड. सुनील मेरे भाई का दोस्त है, ठीक है. तब देखो सुनील आपके यहाँ पे क्या है? बॉय है. बॉय के लिए हमने क्या देखा, क्या लगाएंगे? ही. तो सुनील की जगह हम क्या लगा देंगे? ही. और बाकी सेंटेंस जो है आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो पूरा सेंटेंस सेम लिख दीजिए, सुनील इज अ टॉल मैन. सुनील एक लंबे कद का आदमी है. फिर ही, फिर बाकी फिर सेम, इज माय ब्रदर्स फ्रेंड. अब हम इसे हिंदी में क्या करेंगे? सुनील एक लंबे कद का आदमी है, वह मेरे भाई का दोस्त है, ठीक है. अब हमें सुनील ना वापस नहीं बोलना पड़ा, हमने सुनील की जगह क्या बोल दिया? वह. नेक्स्ट देखते हैं द कैट ईट फिश. कैट जो है बिल्ली, मछली खाती है. द कैट लाइक्स मिल्क टू, बिल्ली को मिल्क, दूध भी पसंद है, ठीक है. तो अब इसमें देखो कैट आपका क्या है? एनिमल है, जानवर है. तो जानवर के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट. तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैट की जगह इट. और सारा सेंटेंस वैसे ही सेम रहेगा. द कैट ईट्स फिश, बिल्ली मछली खाती है. फिर इट लाइक्स मिल्क टू, इट लाइक्स मिल्क टू, उसे दूध भी पसंद है, ठीक है. अब देखो इसमें आपको कैट फिर से नहीं बोलना पड़ा, हिंदी में हमने क्या बोल दिया? कि बिल्ली मछली खाती है, उसे मिल्क भी पसंद है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका
रेखा इज अ डॉक्टर, रेखा एक डॉक्टर है। रेखा वर्क्स इन अ बिग हॉस्पिटल, रेखा बड़े हॉस्पिटल में, बड़े अस्पताल में काम करती है। तो रेखा किसका नेम होगा, गर्ल का कि बॉय का, तो गर्ल का नेम होगा। तो गर्ल के लिए हम क्या लगाते हैं, शी। तो इधर रेखा की जगह हम क्या लगाएंगे, शी। ओके, बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा। रेखा इज अ डॉक्टर, रेखा एक डॉक्टर है, रेखा एक डॉक्टर है। शी वर्क्स से सारा सेम रहेगा, वर्क्स इन अ बिग हॉस्पिटल, वह एक बड़े अस्पताल में काम करती है। अब इसमें आप एक चीज देखो, जब हम लोग प्रोनाउन लगा देते हैं तो आपको सेंटेंस में देखो छोटा हो जाता है ना, ये यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ आ गया, क्योंकि हमें भाग में दो शब्द नहीं लिखना पड़ता, भाग में हमें मुंह नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, ये जो आपको आपका एक्सरसाइज ए है, आपको आपका इंग्लिश ग्रामर का बुक में फिल करना है। इसमें हमने नंबर फोर नहीं करा है क्योंकि उसके क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, तो आपको स्किप कर दीजिएगा और सेकेंड थर्ड और फिफ्थ करना है। थैंक यू।